बल्ले बल्ले। अपने तो वाह गुड शॉट। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, पहले चाहिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और कमेंट करिए कैसे लगी। रात के बज चुके हैं 8, कुछ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे हमारे सोनू जी दिख रहे हैं? अरे नमकीन चावल बोले हो चुके हैं पैक, सो रेडी स्टडी एंड गो। हेलो गाइस, आज फिर जुड़ चुकी है हमारी नई टीम। पुराने अपने रिंकू भैया हमारे साथ हैं और साथ में आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, नई मंजिल नया सफर हमारे साथ तय करने वाले हैं मिस्टर शुभम टंडन और साथ में मनोज जी जो स्कूटी में बैठे हुए हैं। ये हमारे इनको प्यार से आप भरमोरी के नाम से भी जान सकते हैं और मेरा भाई है गौरव। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं साच पास, तो चलो साथ में चलते हैं। होप आपको जर्नी जो है वो इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड लगेगी। तो गाइज रेडी हो आप लोग? चले चलो चलो। तो आज का जो सफ़र है दोस्तों वो हमारा शुरू हो रहा है कैंट से, जो कि डलहौजी कंटोनमेंट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। गाइज हम पहुंच चुके हैं बनीखेत, अब हमने यहां से लेफ्ट टर्न लेना है आगे चंबा वाले रोड पर। ये जो ब्लू बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल है जहां पे हमने अपने कॉलेज के दिन बिताए हैं। बिना कहीं मुड़े सीधा हम आ चुके हैं देवी देरा और हमें हमारे सहयोगी राकेश जी मिले हैं जो आपको पिछली वीडियो हमारी जो फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में था उनमें मिले होंगे आपको। ये भी हमारे साथ जा रहे हैं आज, ये काफ़ी स्लो चलते हैं, अभी पहुंच रहे हैं। हमें पहुंचे हुए यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हमारे रिंकू भैया हमें दिख नहीं रहे, वेट कर लेते हैं उनका। तो हम आगे चलते मशहूर रॉक गार्डन, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलो रिंकू भैया सो चुके हैं फुल, अब हम फुल बूस्ट के साथ निकल रहे हैं यहाँ से। फिर से एक डाइवर्जन की तरफ आ मुड़े हैं हम, तो हम नीचे की तरफ चलेंगे, आप हमारे साथ नीचे की तरफ बढ़िएगा, ऊपर वाला रोड आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट तरफ लेके जाएगा। से रास्ता आगे से खराब है तो यहाँ से जो डाइवर्जन आप देख रहे हैं इधर से नीचे की तरफ उतरना है और यहाँ ट्रक फंस चुका है नीचे, जिस कारण पीछे लाइन लग चुकी है। इस लाइन से बाहर निकलते हो हम फाइनली। मैं आपको बताना चाहूँगा साच पास के बारे में। साच पास एक ऐसी जगह है, वो पास जो पांगी वैली और चुरा वैली को जोड़ता है। तो गाइस बात करते करते हम पहुँच चुके हैं बोटिंग पॉइंट तल्लेरू। पहुँच चुके हैं तल्लेरू, तो जानिए क्या क्या हालत हो चुकी है। तो शुभ जी ठीक है आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ड्राइविंग पे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई। एक्चुअली हम पीछे रह गए, हमारा बैग जो था वो स्लीपिंग बैग वो गिर गया, हमें वापस जाना पड़ा, देखा तो है ही नहीं। ये देखो हमारे भैया का पोज,
करी जहर। आपको वाटरफॉल दिखाते हैं, ये देखो छोटा सा वाटरफॉल है। अभी तो आगे बहुत कुछ है, बने रहे वीडियो के साथ। ज्यादा लोड आप भी की स्कूटी हो रखी है? बहुत ज्यादा भाई, डिक्की बंद नहीं हो रही है, कुकर तो कैसा लग रहा है आपको अभी तक सफर जो रहा, कैसा रहा भाई? डलोजी से चले तब तक ठीक था, लेकिन आगे थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। अभी हम नहीं थके हैं और हमने नहीं हार मानी है, तो आप भी मत मानना, वीडियो को पूरी देखना, अभी तो जन्नत बाकी है देखने को। तो गाइज यहाँ पे पीछे एक बोटिंग पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। NHPC चमेरा डैम, ये रास्ता आपको कम से कम 7-8 किलोमीटर शॉर्ट कर देता है ये ब्रिज, तो हम इसके थ्रू आगे चढ़ेंगे। देख सकते हैं कि ये जो है ये पुराना रास्ता है, इसी रास्ते से पहले आ जाता है। बसें जो है ये पहले जो हमने अभी ब्रिज क्रॉस किया है वहाँ से अलाउड नहीं था, जो बसें वगैरह थी जो भी ट्रैवल था वो पीछे से घूम के इस टनल से आप दूसरा छोर देखते हैं वहाँ से आते हुए यहाँ से सब ट्रैवल होता था, और यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है। साच पास की दूरी शेष 119 किलोमीटर। यही रोड बंगाल से कुछ ही दूरी पर आपको कलई माता टेम्पल की तरफ ले जाएगा, जहाँ मैं आपको आगे से बताता हूँ। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। हम पहुँच चुके हैं इस समय भलई माता मंदिर के मुख्य द्वार पर, और यहाँ से ऊपर जाना जो है वो वर्जित किया गया है, आप यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते अभी। और अब हम यहीं से ही जो है वो माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से भलई माता मंदिर की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की तकरीबन है। यहीं से माथा टेकते हुए हम अपनी यात्रा आगे करें। गाइस हम पहुंचने वाले हैं लचोड़ी चौक, और यहां से हम सीधा ही निकलेंगे। सीधा सीधा सीधे 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 सीधे। गाइस ये देख सकते हैं आप कोटी पुल, इसको हम पार करके दूसरी तरफ निकलेंगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं कोटी बाजार, यहां से आप राइट रास्ता जो देख रहे हुए चंबा की तरफ जाता है, हमने ये बड़ो वाला रास्ता लेना है जो आगे तीसा बजराड़ू मिलेगा। पार करके गाइस कुछ इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जहाँ हम जा रहे हैं साच पास, साच पास एक ऐसी जगह है जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। गाइस साच पास की हाइट कोई 4500 मीटर की ऊंचाई से है, और जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आपको साच पास में देखने को मिलेगा। ये आज हमारा पहला दिन है जो आज डलोजी से निकले हैं, से हम लगभग कोई 1-1.5 बजे निकले थे, तो हमें आज रानीकोट तक ही हमारा सफ़र हो पाएगा। वैसे भी फाइनली हम बड़ो पहुंच चुके हैं, और हमारे जो दो साथी हैं वो हमसे अलग दूसरे रूट पर चले गए, वो हमें इसी पॉइंट पर मिलेंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, और हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना है उस तरफ। हमारे साथ ही मुझे लगता है इस रास्ते से वापस आएंगे और हमें यहीं मिलेंगे इसी जगह पर। फाइनली अराइव्ड हमारे रिंकू भैया और शुभम टंडन। गाइस बी सेफ एंड ड्राइव केयरफुली जब भी आप आए यहाँ पर। गाइस देखिए कितना नैरो रोड है ये, कितना छोटा है और सिंगल रोड है। आए कुदरत का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, देखिए सामने रोड, नेचर सा भी दिख रहा है बट है खूबसूरत। गाइस हम चिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी रोड भी बहुत गंदा सा है। ये देखो रोड, तो हम सारे जो राइडर हैं, दो राइडर आगे चले गए हैं, हम दो राइडर यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। गाइस चिल्ली, हम फाइनली चिल्ली पहुँच चुके हैं। ओ ओ ओ गए, पहुँच चुके हैं शिकारी मोड़, यहाँ से साच पास 64 और बैरागढ़ 28 किलोमीटर। ये आ गया हमारा तीसा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने फ्रेंड सोनू के घर के पास तीसा, यहां से साच पास की दूरी 62 किलोमीटर है। गाइज मुझे सोनू की कॉल आई थी तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ, तो मैं यूँ गया यूँ आया। ये देखो आगे हमारे सोनू जी, मेरे पुराने क्लासमेट जो कि सेब तोड़ने में बिजी हैं। मैं आपको इनका बगीचा दिखाता हूँ।
देखो हमारे सोनू के सेब कैसे हिल रहा है। सर यहाँ से कितने पेड़ हैं आपके? चार ट्रेन के पास राजे हैं ये राजे। सोनू जी ने खाली स्थान भर दिया है और स्थानों में छोटे छोटे सेब के पेड़ लगा दिए हैं। ये देखो एक छोटा सा पेड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और ये आगे जगह भी, ये भी खाली है, यहाँ पे भी एक लग सकता है। तो काफ़ी प्यारा बगीचा है दोस्तों। गाइस कैसा लगा कमेंट करना। गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, गाइस शुरू करते हैं अब बगीचे से बाहर निकल के खुश नगरी से अपना सफ़र बैरागढ़ की तरफ। आगे बढ़ते हैं। जंगल आप देख रहे हैं, तीसा के जंगलों को डोरी जंगल कहा जाता है। यहाँ का आखिरी फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप, इससे आगे हमें कहीं भी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं नज़र आएगा। तो अभी हमने जो है बाइक्स का सभी ने अपना टैंक फिल करवाया है, अभी हम आपको मिलेंगे जाके बैरागढ़। काफ़ी धूल भरा रास्ता है दोस्तों, आओ तो बिल्कुल प्रिपेयर होके आना। गाइस ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत मज़ा आ रहा है इन रोडों पर, एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही है। आप देखो क्या ब्यूटी है गाइस, देखो। आपका घर कहाँ है? नीचे। कौन सा वाला घर आपका? ये वाला। यहाँ पे साथ में जो लेंटर। अच्छा नीचे जो है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपको। ओके बाय बाय। तो गाइस और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं अब। गाइज हम पहुंच चुके हैं चकूनी मोड़, यहाँ से दो रोड का डाइवर्जन होता है। एक ये जो है ऊपर वाला, ये जाता है बैरागढ़ को और ये वाला जाता है देवी कोठी को। ये हमारे पिंकू भाई की दुकान। दोस्तों मिलो मेरे फ्रेंड से पिंकू सोनी, आप कभी भी साच पास आए, इसकी शॉप है यहाँ पे चकूनी मोड़ के पास। यहाँ पे आए, चाय कॉफी क्या क्या देते हैं भाई आप? सब कुछ ही आप यहाँ पे मस्त एकदम बढ़िया बनाते हैं। और बढ़िया खाइए, एंजॉय करिए साच पास का टूर हमारे साथ। अभी हम आगे बैरागढ़ मिलते हैं आपको। गाइज बैरागढ़ का शूट नहीं हो पाया, हम आगे आ चुके हैं, रानीकोट पहुंच चुके हैं और आज हमने यही रुकने का फैसला भी किया है। तो गाइज हम कल मॉर्निंग यहां से निकलेंगे और आपको लेके जाएंगे साच पास और कालाबंद जहां पे कांड हुआ था। और एक बात और ध्यान रखिएगा गाइज, जब भी आप यहां आए तो बैरागढ़ चेक पोस्ट पे आपको 3 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी और पूरी आइडेंटिफिकेशन के साथ भेजा जाएगा। रात के बज चुके हैं 9 और इधर टेंट की तरफ लाइट मारना। अब जाके हमारा टेंट जो है वो रेडी हुआ, अंधेरा है, कुछ भी दिखेगा नहीं। ठीक है ओके ओके, ये जी प्रेण है। तो गाइस ये वो जगह है जहां आज हमें सुकून मिलने वाला है, जहां हम रेस्ट करेंगे। तो खाने की व्यवस्था करते हैं, अब आग जलाते हैं। आग का जलाने का कार्यक्रम पीछे पड़ा है, हमारा सामान कुकर सब्जी वेजिटेबल और ये क्या मैगी है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की प्रस्तुत माछली कल्चर को एंजॉय कर सकते हो आप भी साथ में हमारे। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तीन 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 फुट चली गई थी, इतनी इतनी चली गई थी बाइक मेरी।